भागले केराला देवी में छठ पूजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सड़कों पे गन्ने का खेत उगाया हो। वहीं पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी उत्तर भारतीयों को अपना भाई बहन बताया और कहा कि हम हमेशा उनकी मदद करते रहेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक कुलदीप जी, उनके सभी सहयोगी और आप सभी लोग यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को मैं छठ पूजा महोत्सव के आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, सभी लोगों को बधाई देता हूँ। पागलेश्वर, किशन नगर, इंदिरा नगर, जितने जहाँ जहाँ लोग हमारे रहते, उत्तर भारतीय बिहारी भाई सभी वो हमारे हैं, उनकी रक्षा करना, उनका हिफाजत करना ये हमारा कर्तव्य है। जम्मू से आए एसएसपी ने कहा कि हिंदुस्तानी देशभक्ति के जगह पे अपना देश प्रेम दिखाएं। ये दो होते हैं, देशभक्ति और देश प्रेम। मुझे लगता है कि हमें देशभक्ति से उठकर देश प्रेम की ओर जाना जरूरी है। देशभक्त वो होता है जो अपने देश में कमी नहीं निकालता, उसके लिए देश सर्वोपरि होता है। यानी जैसा मेरा देश है वही महान है, वही सब कुछ है। लेकिन जो देश प्रेमी होता है वो अपने देश को भी क्रिटिसाइज करता है, वो देखता है मेरे देश में क्या कमियां हैं और उसको कैसे दूर किया जाए। अगर आप देशभक्त होंगे तो आपको वहां सीमा पर लड़ने वाले सैनिक का दर्द कभी नहीं समझेगा। जब आप देश प्रेमी होंगे तब शायद आपको समझेगा कि वो -40 डिग्री टेम्परेचर में कैसे रखता होगा। मैं कारगिल, आपका नाम आपने सुना होगा, मैं कारगिल का एसएसपी रहा हूँ, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारगिल। वहां हमारी एक लाइन ऑफ कंट्रोल चलती है जहां पाकिस्तानी और हम आमने सामने होते हैं। आप देखें जिस स्थिति में हमारा जवान वहां लड़ता है, या जब आज आप और मैं एक दूसरे से रूबरू हैं और बातें कर रहे हैं, वहां जम्मू में पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की जा रही है, जिसमें हमारे सिविलियंस हताहत हो रहे हैं और हमारे सैनिक जो हैं वो शहादत पा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? भारत खंड कोई भूमि का नाम नहीं है, ये दरिया नहीं है, नदी नहीं है, या आपका अरबी सागर नहीं है। भारत खंड भारतवासियों का है। जो वहां पर सीमा पर हमारे सैनिक बलिदान देते हैं, उतना ही बलिदान सीमा पर रहने वाले लोग देते हैं। क्या आपने अपना घर कभी छोड़ा है इस डर से कि पाकिस्तानी गोला आपके घर गिर जाएगा? किसी ने छोड़ा हो तो हाथ खड़े करें। यहां अजमल के साथ 10-11 लोगों को लेकर आया, कितने मुंबई कर रहे अपना घर छोड़ दिया, लेकिन जम्मू में, कश्मीर में, करगिल में लोग अपना घर छोड़ते हैं और मुस्कुराते हुए छोड़ते हैं, और छोड़ते छोड़ते उनको बोल के जाते हैं और एक धागे के 100 मारने आते हैं। ये जो भावना है, जिस भावना से वहां सीमा के लोग लड़ रहे हैं, जिस भावना से वहां बड़ा सैनिक लड़ रहा है, जिस भावना से वहां की पुलिस जूझ रही है, वो सिर्फ किस लिए जूझ रही है इस बात को आप समझे। वो सिर्फ इसीलिए लड़ती है ताकि आप और हम ऐसे पर्व मना पाए, आप और हम ऐसे एकत्रित हो पाए, हम इस किस्म के जलसों का आयोजन कर पाए। जब दुश्मन ये बात देखता है कि थाना में किसी उपवन के बगल में हजारों की तादाद में लोग आके संगीत का आनंद ले रहे हैं, उसको रात को नींद नहीं आती कि हम किस देश पर हमला कर रहे हैं। ये मजे में है, ये मजा कम मत करिएगा। हमेशा याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा देश प्रेम आप दिखाएंगे, जो भी आपकी संस्कृति है उसको और बड़ा करें। ये पूर्वांचली बहुत ज्यादा यहाँ पर बड़ी तादाद में आप मौजूद हैं, हम भोजपुरी में नहीं, आप उससे बात कर लेता नहीं भेजा आपको गायब पानी, भेजा आपको गायब पानी। छठी माई के त्योहार का पूजा बाप यानी सूर्य के अर्घ देवे के बाद दो तीन चीज आप लोग समझ जाए। हमने के जहां रहने नहीं जाते, होजा की संस्कृति के अपनाओ बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि होजा का भाषा हमने के सीख सकल जाए। होजा का मन यहाँ पर मन ही होगा, जितना मराठी आदमी रहेगा होजा बनारस में वो कुल बहुत बढ़िया से भोजपुरी बोलेगा। लोग तो हमेशा याद रखिए, जब जो धरती पर रहे नहीं जा, जहां हमने का कर्म भूमि है, हमारे जन्म भूमि है, हमारी कर्म भूमि है। ये बात मैं आपसे यही से कहता नहीं कि आगे से दिखाई चाहिए, जब भी छठी माई का पर्व हो के या तिल रखे का जगह आप देख चाहिए, इतना प्रोत्साहित करें लोगों के कि जा आई और अपनी अगली पीढ़ी के अगर ज्ञान दी। आज हमारे मेहरारू शायद ना भूखत हुई है छठ माई की टाइम पे वो खत्म हो जाए परंपरा, बहुत मुश्किल से हम कोशिश करते हैं कि उनके मनाई,
हो सकेगा एक दो साल में हम कामयाब हो जाएं। आज हम आप लोग के बीच में बने, लेकिन आज हमारा सारा परिवार जम्मू में बना, और आज बड़ा खुशी होता है जान के कि आज शायद वो मुफल हो गया। तो अभी पूछने नहीं के लेकिन राति का फोन करो उनसे आओ। हम ऐसे कहता नहीं कि जब आप लोग यहाँ आए तो आपकी लगन के पता चलिए त्योहार का महत्व का बात। अकाहे सूर्य का पूजा कही जाला, छठी माई का कौन उपयोग अपनी जीवन में करे के बाद जो सिखाए वाला काम बा मनोरंजन की ऊपर उठ के ऐसा स्टेज पर हमने के कर सके नहीं जा। और हमेशा याद रखी जवान सैनिक हो जा लड़ा था वो ना तो यूपी का है ना बिहार का है ना महाराष्ट्र का है, वो भारत का सैनिक है। हमने के भले करगिल में कह नहीं जा कि मराठा रेजिमेंट इधर लड़ना नहीं, मानस मराठी आए हैं ही मानस ती आए जो शिवाजी के थोर त्यांना माननारे लोक आहेत। जीव गेला चालेल पण भूमी देणार नाही अशी भावना घेऊन लढणारी माणसं ती मराठी माणसं त्या ठिकाणी आहेत। पण जेव्हा ते नारा देतात ते जय महाराष्ट्र म्हणत नाही तर हिंदुस्तान जिंदाबाद म्हणतात, भारत माता की जय म्हणतात। ही भावना आपल्यात असली पाहिजे, यही भावना लेकर हमें जीनी चाहिए कि हम इस भूमि के पुत्र है, हमें इसी भूमि में रहना है, इसके आचरण को अपनाना है और अपने उस सैनिक को हमेशा याद रखना है जो शायद हंसता हुआ छठ के पूजा के लिए जाता है और अगली छठ में उसकी लाश उसके घर वापस आती है। खाली दो दिन उसके लिए आंसू बहाने से काम नहीं चलता, अगर वाकई अपने सैनिकों के लिए कुछ करना है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो देश के लिए लड़ रही है उसके लिए कुछ करना है तो दो काम करिए। एक, अपनी संस्कृति को मत छोड़िए और दूसरा हमेशा याद रखिए एक अच्छा सिटीजन एक अच्छा नागरिक एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी देन है। वहीं छठ पूजा समिति के संस्थापक सुचन पाठक ने एसएसपी के लिए कहा कि तूफान में आप अपनी खुशी चाहते हैं, जान हथेली पर लिए जिए जाते हैं। मैं वो हूँ जिसे समुन्दर पिया करती है, आप वो हैं जो समुन्दर को पिया करते हैं, समुन्दर को पिया करते हैं। वहीं शिवसेना नेता आनंद तरे ने कहा कि मैं सबको आज के छठ पूजा की शुभकामना देता हूँ। यहाँ पे पहले हम सुनते थे बिहार में छठ पूजा होती थी, इसके बारे में सोचते थे 17-18 साल के बाद पहले यहाँ पे पाठक जी की ओर से छठ पूजा क्या होती है वो देखने मिली, लगातार आते रहा। पर बीच में पाठक जी ने हमको थोड़ा सा बाजू में रखा था, वो बाजू में भूल गए थे। मैं मुझे यहाँ पर बुला दिया करके मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। छठ पूजा इस महाराष्ट्र में होती है और थाना भी होती है, इसका हमको गर्व है अभिमान है। सिर्फ ये बिहार में होती है तो महाराष्ट्र में होती है, इस महाराष्ट्र में हमारे सभी बिहार वासियों ने बताना चाहिए कि हम बिहार में एक संघ नहीं हो सकते बल्कि महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा एक संघ हो सकते हैं। छठ पूजा का पूरा संदेश वहाँ पे जाना चाहिए, महाराष्ट्र में किसी ने कुछ भी कहने को तो यहाँ पे हम आपके साथ में है, हमारे उत्तर भारतीयों के साथ में है और साथ देते रहेंगे और जो भी हमारे तरफ से आपको जो मदद लगी हो देने का वादा मैं आपको करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। जय हिंद जय महाराष्ट्र। वहीं रुद्र प्रतिष्ठान ने अनडेवलपमेंट बच्चों के डांस पर उन्हें पुरस्कृत किया। डांस में झूमे सभी भक्तगण। कोलसेट घाट पर पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने दौरा किया और वहां पे छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ वहां की आयोजिका अंकुश नेहा पाटिल को बहुत बहुत बधाई दी कि ऐसी पर्व का आयोजन उन्होंने किया। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे का सत्कार अंकुश पाटिल ने अपने हाथों से किया और वहीं सब लोग भक्ति में लीन हो गए थे। Oh, my God.
सूर्य उदय होने के बाद छठ व्रतियों ने सूर्य को प्रणाम कर अर्घ दान किया और उसके बाद अपने व्रत को